एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेट करते हैं सीटिंग प्लेसिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन से। इसके अंदर जो है एग्जामिनर ने कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन दिए होते हैं और उनकी सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ हिंट्स दिए होती हैं। वो जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है वो लीनियर भी हो सकती है और वो सर्कुलर अरेंजमेंट भी हो सकती है। उन हिंट्स की बेसिस पे फिर एग्जामिनर जो है एमसीक्यूज के अंदर सवाल पूछता है। इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझने के लिए एग्जांपल करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम अपनी एग्जांपल की तरफ आते हैं। इस एग्जांपल के अंदर वो कह रहा है रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पहला वो कह रहा है 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन 2 रोज 3 इन ईच। पहली कंडीशन में उसने बता दिया कि हमारे पास 6 बंदे हैं जो कि है ए बी सी डी ई एंड एफ, जो कि 2 रोज के अंदर बैठे हैं और हर रो के अंदर 3 बंदे हैं मैक्सिमम। अब सेकेंड में वो कह रहे हैं ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, किसी रो के एंड में ई नहीं होगा। डी के बारे में कह रहे हैं डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। सी द नेबर ऑफ ई इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी। बी इज द नेबर ऑफ एफ। ये सारी इंफॉर्मेशन उसने दे दी है। अब हमें इसको जो है ना डायग्राम के थ्रू लिखने की जरूरत है ताकि हमें ये ऑर्गेनाइज भी अच्छी तरह से हो जाए और हमें समझ भी आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग 6 बंदों के नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। ये हमारे पास 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एंड एफ। ये हमारे पास 2 रोज है, ये फर्स्ट रो हो गई, इसमें 1 2 3 3 बंदे। ये सेकंड रो हो गई, इसमें 1 2 3 बंदे। अब जो है ना पहले दूसरी कंडीशन हम देखें, ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। इसका मतलब ये है कि मैं रेड से लिखता हूँ कि ई जो है वो इस रो के अंदर नहीं आ सकता। रेड का मतलब ये है कि इसके अंदर ये इस रो के अंदर जो ये बंदा है वो नहीं बैठ सकता, यानी कि इधर ई नहीं आ सकता और ना ही इधर ई आ सकता है। अब हम लोग तीसरी कंडीशन देखें, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। इसके अंदर वो कह रहे हैं डी जो है सेकंड है टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब एफ जिधर भी आएगा तो उसका एक खाना छोड़ के डी होगा, मतलब अगर एफ इस आखिरी रो में होगा तो एक ब्लॉक छोड़ के लेफ्ट पे सेकंड नंबर पे डी होगा। सिमिलरली अगर डी को हम नीचे वाली रो में रखें, एफ को अगर हम नीचे वाली रो में रखें तो एफ के लेफ्ट पे एक खाना छोड़ के फिर डी होगा। ये कंडीशन है, तो इस लिहाज से हम लोग एफ को फॉर इंस्टेंस अभी इस वक्त इधर हम रख देते हैं। अगर हम इधर एफ को रखते हैं तो डी जो है ऑटोमेटिकली वो इधर आ जाएगा अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं। अगली हम लोग कंडीशन को देखें तो है सी द नेबर ऑफ ई। सी जो है वो नेबर ऑफ ई है, ये हमें पता चल गया। ई इधर नहीं आ सकता, ई इधर नहीं आ सकता, तो हम लोग इसका मतलब ये है कि ई बीच में ही आएगा। अब वो कह रहे हैं कि सी द नेबर ऑफ ई, तो इसका मतलब ये होगा ई इधर भी नहीं आ सकता, सी भी इधर नहीं आ सकता, क्योंकि ई जिधर आएगा उसका नेबर सी होगा। तो हम लोग अगर फॉर इंस्टेंस ई को जो है इधर मिड पे रखें, क्योंकि ये कंडीशन पूरी हो रही है, ई एंड में नहीं आ रहा, ये हमने कंडीशन को लगा दी पूरी ई एंड में नहीं है। लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि सी द नेबर ऑफ ई। अब सी इसमें से या तो इधर आएगा या इधर आएगा, लेकिन वो आगे फिर कह रहे हैं इस सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी। डायगनली अपोजिट डी इधर नहीं है, डी का डायगनली अपोजिट जो है वो ये ब्लॉक है, तो सी इस जगह पे आएगा, ये हमने सी लिख दिया। अब अगर हम लोग दोबारा से सारी कंडीशन देखें, ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। अगर हम देखें एंड क्या है, ये एक रो की एंड पे एफ आ गया, एक रो की एंड पे सी आ गया, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी को अगर हम दोबारा देखें, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट पे सेकंड नंबर पे डी आ गया, ये हमारी कंडीशन भी ठीक हो गई। सी द नेबर ऑफ ई, सी को देखें ई का नेबर है, इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी। डायगनली अपोजिट डी का देखें तो सी बैठा हुआ है, ये कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई। फाइनल कंडीशन में वो कह रहे हैं बी इज द नेबर ऑफ एफ, बी इज द नेबर ऑफ एफ। अगर वो कह रहा है तो एफ का नेबर क्या, एक जगह खाली है, बी इधर आ जाएगा, बी इधर आ गया। अब हमें पता एक खाना बचा है, उसमें ऑटोमेटिकली हमारा ए आ जाएगा, तो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से ये पूरी हो गई। अब हम इसको देखते हुए एमसीक्यूज की तरफ आते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला देखें, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। डायगनली अपोजिट कौन बैठे, एक तो डी सी बैठा है, एक एफ ए बैठा है,
अब इसमें देखिए पहली ऑप्शन एफ एंड सी, नहीं ये डायगनली अपोजिट नहीं है। दूसरी देखिए डी एंड ए, ये भी डायगनली अपोजिट नहीं है। ए एंड सी ये भी डायगनली अपोजिट नहीं है। ए एंड एफ ये हमारे पास ये डायगनली अपोजिट बैठे हुए हैं, तो हमारी ये ऑप्शन करेक्ट है। ए एंड एफ ये हमारी ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड अगर क्वेश्चन देखे, हु इज फेसिंग बी, बी को फेस कौन करे, बी के सामने ये बीच में ये टेबल, ये पहली रो है, ये सेकेंड रो है, इन बी के सामने कौन है, डी के सामने कौन है, एफ के सामने कौन है। बी के सामने देखे ई है, डी के सामने ए है, एफ के सामने सी है। तो इसमें अगर देखे हु इज फेसिंग बी, डायरेक्टली हम कहेंगे ई, बी को जो फेस कर रहा है सामने की तरफ। आप लोग ये समझ लेंगे खाने की मेज है और उसमें कुछ कुर्सियां इधर लगी, बीच में टेबल है, कुछ कुर्सियां इधर लगी है, तो बी के जो सामने है वो ई बैठा हुआ है जो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द सेम रो, सेम रो में कौन कौन है ये पूछ रहा है। ए एंड ई, जी ये सेम रो में। ई एंड डी, ई एंड डी सेम रो में नहीं है। सी एंड बी, सी इधर बी ऊपर है, ये भी सेम रो में नहीं है। ए एंड बी, ए इधर बी ऊपर है, तो इसमें पहली ऑप्शन ठीक है, ए एंड ई ये दोनों सेम रो में है। क्वेश्चन फोर देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, ये जो है पूरी एक रो में कौन से ये लोग हैं। एफ बी सी अगर हम देखें, एफ बी सी ये एक रो में नहीं आ रहे। सी ई बी, सी ई बी दो इस रो में, एक ऊपर है। डी बी एफ, डी बी एफ ये एक सेम रो में है, ये अगर हम देखें तो ये सेम रो बन रही है इस तरह से। ए ई एफ, ए ई एफ ये भी नहीं बन रहा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन फोर का सी। आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विद ई, हु विल बी द नेबर ऑफ डी इन द न्यू पोजीशन। अब वो कह रहे हैं आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विद ई, हु विल बी द नेबर ऑफ डी, मतलब कि अगर डी जो है अपनी पोजीशन चेंज कर ले, डी जो है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले ई के साथ, तो हु विल बी इन द न्यू पोजीशन, नई पोजीशन में डी के सामने कौन होगा। आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विद ई मतलब ये डी के बारे में बात हो रही है, हु विल बी द नेबर ऑफ डी इन द न्यू पोजीशन, डी के बारे में बात हो रही है। अब डी के नेबर कौन हो गए, डी का एक नेबर जो है, डी ने इसके साथ इधर हमारी पोजीशन चेंज हुई है ई के साथ, और अब डी के नेबर में कौन है, एक ए है और दूसरा जो है सी है, ये हमें पता चल गया। तो हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर जो ऑप्शन होगी वो होगा सी एंड ए, एफ एंड बी नहीं है, ओनली बी ओनली है, तो सी एंड ए हमारे पास नए नेबर थे डी के।